हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल DJS के व्लॉग्स में। तो आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं बुल स्किल पेंट स्प्रे गन की। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले अपनी वीडियो में बताया था कि मैं एक और जो है पेंट स्प्रे गन ऑर्डर करने वाला हूं, तो अपनी जो सेकंड स्प्रे गन होने वाली है दोस्तों, बुल स्किल की पेंट स्प्रे गन होने वाली है। आज इसी की अनबॉक्सिंग और इसके रिव्यू और इसको कैसे असेंबल करना है, कैसे इससे पेंट करना है, पूरी डिटेल आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है दोस्तों। तो चलिए फाइनली करते हैं इसको अनबॉक्स, दिखाते हैं इसके अंदर क्या क्या अपना आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये अपनी मोटर हो गई है दोस्तों, मोटर वाली यूनिट हो गई है, जो कि 750 वाट की मोटर कंपनी से देती है। ठीक है दोस्तों, और काफ़ी अच्छी जो है इसकी क्वालिटी है, प्लास्टिक वगैरह सब अच्छी है। यहाँ पे इधर कंपनी का नाम भी लिखा हुआ है बुल स्किल का। ठीक है दोस्तों, और पीछे की तरफ इसके फिल्टर दिए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये अलग अलग यूनिट में अपनी जो है मशीन आती है। तो ये अपनी मोटर हो गई है, इसको अपना जो है एक साइड रख देते हैं। ठीक है दोस्तों, और साथ ही साथ इसका ये जो सेकंड यूनिट आ जाती है, जो कि इसका स्प्रे वाला पार्ट होता है, इसको नोजल भी आप कह सकते हैं। इसमें देखिएगा दोस्तों, ये आपका जो नोजल है अच्छे वाला दिया हुआ, साथ ही साथ इधर आपका एक ये एडजस्ट के लिए भी दिया हुआ है। इसका ये कुछ इस तरीके का होने वाला है, इसको भी अभी साइड रखते हैं, बाद में इसकी डिटेल के बारे में बात की जाएगी। अभी देख लेते हैं कि बॉक्स के अंदर अपन को क्या क्या मिलने वाला है। तो ये कुछ छोटा सा ये कीप दिया हुआ है, ताकि इसमें पेंट वगैरह घालने के, इसमें डब्बे में भरने के लिए काम में लाया जाए, और इससे हमें पेंट की जो है क्वालिटी का पता लगता है कि इस मशीन के अंदर कि किस क्वालिटी का पेंट हम यूज़ कर सकते हैं। इसका कंटेनर होने वाला है दोस्तों, जिसमें अपना जो है पेंट हम लोगों को करना है। आप इससे किसी भी तरह का पेंट दोस्तों कर सकते हैं, मशीन से दीवार पे भी कर सकते हैं, और अपने गेट वगैरह या फिर अपनी जैसे अपने DJ की जाली वगैरह या गाड़ी वगैरह है उन पर भी कर सकते हैं। ये साथ ही साथ इसकी यूज़र मैनुअल मिल जाती है, यूज़र मैनुअल के अंदर आपको एक पिन मिल जाती है जो कि इसके नोजल को साफ़ करने का काम आती है। साथ ही साथ दो तीन तरह की पैकिंग भी दी हुई है। यूज़र मैनुअल को आप रीड करके आप इस मशीन को कैसे यूज़ में लाना है, किस तरीके से इसको असेंबल करना है और किस तरीके से आपको उपयोग में लाना है, पूरी डिटेल इस यूज़र मैनुअल के अंदर आपको मिल जाने वाली है इस मशीन से रिलेटेड। और साथ ही साथ आप अच्छे से इसको रीड करेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आने वाला है, और साथ ही साथ क्या क्या प्रोडक्ट इसके साथ आपको मिलता है वह भी आपको इसमें देखने के लिए मिल जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो समय निकाल करके एक बार आप इसको रीड ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, बाकी कोई क्वेश्चन कोई रहता है तो कमेंट कीजिएगा। जो मेरे दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे द्वारा पोस्ट की गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे दोस्तों। तो अभी इसको रख देते हैं अंदर। ठीक है, देखते हैं अभी बाकी क्या रह गया अपना जो है, जो कंपनी हमें इसके साथ दी है दोस्तों। इस मशीन की यदि प्राइस की बात की जाए तो ये आपको 2300 से और 2600-2700 तक किसी भी ऑनलाइन साइट से आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर हमें ये ग्लव्स भी मिला है दोस्तों। ठीक है, इसको भी अभी साइड रख देते हैं, और साथ ही साथ हमें दो ये एक्स्ट्रा इसके पाइप वगैरह जो इसके जो स्प्रे यूनिट है उसमें लगता है, उसके लिए एक्स्ट्रा दिया हुआ है। बाकी और कुछ नहीं दिया हुआ है, इतना काफ़ी है इस मशीन को यूज़ करने के लिए। ठीक है, तो अभी हम जो जो चीज़ यूज़ कर नहीं करने वाले हैं उसको हम साइड रख देते हैं। तो हम इसका यूज़र मैनुअल और ये ग्लव्स भी हम यूज़ नहीं करने वाले हैं, और ये भी अपना एक्स्ट्रा है, तो इनको भी अभी साइड कर देते हैं। साथ ही साथ अब आपको दिखाते हैं कि इस मशीन को आपको असेंबल कैसे करना होता है। ठीक है दोस्तों, इस मशीन को असेंबल करना बहुत ही ईजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये अपना मोटर हो गया, इस मोटर में इस यूनिट को कैसे फिट करना है आइए आपको दिखा देते हैं। इसमें साथ ही साथ इस मशीन पे इंडिकेशन भी दोस्तों बना हुआ है कि आपको किस तरीके से इसको फिट करना है। बाकी आपको इस तरीके से सटाना है, और यहाँ पे ये देखिएगा, यहाँ पे बना हुआ होता है कि आपको किस साइड से घुमाना है, और इधर भी दोनों तरफ आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा। कुछ नहीं, ऐसे फंसा करके सिंपली ऐसे घुमा देना, तो अपना फिट हो जाएगा, और इस लॉकिंग सिस्टम के कारण ये इसमें एडजस्ट हो जाता है। और खोलते वक्त इस लॉक को पीछे की तरफ करना है और वापस ऐसे घुमा देना, तो ये आपका अलग हो जाएगा। लगाते वक्त नहीं करना है, लगाते वक्त ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका सेट हो जाता है, लेकिन निकालते वक्त ये लॉक आपको पुश करना होता है, तभी आपका निकलेगा। ये यहाँ से आपका स्टार्ट
के लिए ये होता है ऑन ऑफ स्विच, यहीं से आप मशीन ऑन होती है यहीं से ऑफ होती है दोस्तों। साथ ही साथ नीचे ये जो आपको नॉब दी है इसे आप घुमा करके इससे आप अपने जो पेंट इसका पेंट स्प्रे के आगे से जो फ्लो निकलने वाला है उसको कंट्रोल कर सकते हैं कि आपको कितना कम ज़्यादा चाहिए, ठीक है दोस्तों। और जो आपका टीगर है उससे आपका ये ऑन ऑफ मशीन जो है होती है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो आगे नोजल दिया इससे आप इसका आगे का जो है हॉरिजेंटल और वर्टिकल में दोनों में अपना पेंट स्प्रे को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, कि आप किस तरीके से करना चाहते हैं। और ये जो इधर आपका गोल गोल दिया हुआ है दोस्तों इसको घुमा करके आपका जो पेंट का बिंदु है इसकी जो आकृति है उसमें चेंजेस आप ला सकते हैं कि आप गोल में करना चाहते हैं या इसको लंबे में करना चाहते हैं। बाकी जब आप पेंट करेंगे तो वह भी आपको दिखा दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये इस तरीके से इस बकेट को इसमें फ़िट करना होता है, गोल गोल राउंड राउंड चूड़ी घुमा करके आप इसको फिट करेंगे तो ईजिली फिट हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है दोस्तों। जैसे कि आप देख पा रहे हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है, ठीक है। इस मशीन को यदि आप ऐसे ही स्टेबल करेंगे तो ऐसे होने में प्रॉब्लम करेगी, लेकिन जब इसमें पेंट डाल देते हैं तो अच्छे से स्टेबल हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। वो आगे भी वीडियो में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो असेंबल करना आपको बता दिया कि किस तरीके से आपको ये मशीन असेंबल करना है दोस्तों। अब चलते हैं इसके यूज़ हमें कैसे करना है, तो चलते हैं इसके यूज़ की तरफ, ठीक है दोस्तों। तो अभी हम अपना जो है पहले पेंट रेडी कर लेते हैं, जो पेंट हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। हम जो इस पे यूज़ करने वाले हैं दोस्तों पेंट, वो दीवार के लिए यूज़ करने वाले हैं, जिसमें कि हम अपना कलर और अपना एपेक्स या फिर आप डिस्टेम्बर भी कह सकते हैं, अलग अलग कंपनी का अलग अलग आता है, तो जो आपको सूटेबल लगे वह आप अपनी इच्छा अकॉर्डिंग ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो उन सबको पानी थोड़ा मिक्स करके एक हम अपना कलर तैयार करेंगे, वह भी आपको वीडियो में दिखाया जाएगा। अभी बात कर लेते हैं मशीन की बिल्ड क्वालिटी की, तो दोस्तों क्वालिटी में ये मशीन बहुत अच्छी है और बहुत ही बेहतरीन ये मशीन है, क्वालिटी के मामले में कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यूज़ भी इसका आपको करके दिखाया जाएगी कैसे यूज़ करना है। 750 वाट की मोटर है, काफ़ी अच्छी हैवी मोटर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है दोस्तों। तो चलिए फाइनली करते हैं अपना कलर तैयार। ये दोस्तों मैंने अपना जो एपेक्स और जो है अपना कलर मिला करके और थोड़ा पानी की सहायता से अपना जो कलर रेडी कर लिया है, ठीक है। अपना जो कलर है कुछ इस तरह का रेडी हो गया है, ठीक है। तो आप भी अपनी मनचाहा कलर बना सकते हैं, और बनाने के बाद दोस्तों इसको इस तरीके से बनाना है कि इतना भी पतला ना हो कि आपका जो है बहने लगे, आपको जो है गाढ़ा ही रखना है, ठीक है, हल्का सा, ज़्यादा भी नहीं रखना है कि ताकि जो है मशीन में कभी ना निकले। तो इस तरीके का आपको रेडी कर लेना है, ठीक है दोस्तों। जिस समय आप कलर तैयार करेंगे वह आप अपना आराम से नोटिस कर सकते हैं कि आपको किस तरीके का कलर चाहिए। तो अपना कलर हो गया दोस्तों रेडी, तो मशीन को कर लेते हैं फिल, ठीक है दोस्तों। फिर आपको करके दिखाते हैं कि किस तरह का ये वर्क करती है दोस्तों। पहले हम इस कलर को जो है इस कंटेनर में डालने से पहले हमें छानना ज़रूरी है दोस्तों। तो जो इसके साथ एक छोटा सा कीप टाइप आया था आप उससे भी छान सकते हैं, लेकिन उससे क्या दोस्तों समय थोड़ा ज़्यादा लगता है और उससे उतना बारीक भी जो है पेंट नहीं छन पाता है। तो इसलिए हम जो है चाय छन्नी का यूज़ करने वाले हैं, जो कि हम पहले यूज़ कर चुके हैं, ठीक है। तो उसकी मदद से हम इसको छान करके भरने वाले हैं। पहले हम बाल्टी से एक मग्गे में इस पेंट को कर ले रहे हैं, ठीक है, ताकि हमें डालते वक्त हमारा पेंट वगैरह जो है ज़्यादा बिखरे ना और जो है अपना वेस्टेज भी कम हो, ठीक है दोस्तों। इन मशीन से पेंट करने का सबसे अच्छा बेनिफिट ये होता है कि आपकी जो वेस्टेज है ना वो बिल्कुल ना के बराबर होती है, और फिनिशिंग और क्वालिटी आपको ज़बरदस्त मिलती है। आपको दिखाएंगे कि कैसी ये क्वालिटी देती है मशीन। मैंने इस मशीन से पेंट किया है, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स इस मशीन का होता है और क्वालिटी के मामले में बहुत अच्छी क्वालिटी निकल करके आती है। बाकी आप भी को भी ये वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगा। अपना जो पेंट का कंटेनर है दोस्तों फुल भर ले रहे हैं, ठीक है। आपको इतना भी ऊपर तक नहीं भर लेना है कि जो है ताकि आपको भाल लीकेज होने के चांस बन जाए, तो इसलिए अभी थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है तो इसको थोड़ा सा जो है कम कर ले रहे हैं, ठीक है। कम करने के बाद ही मशीन में लगाते हैं, थोड़ा सा कम कर देते हैं, ठीक है। अभी जो है ठीक है इतना, और अभी जो है इसको मशीन में अपना जो है
फिट कर लेंगे, ईजिली ये फिट हो जाता है। इस तरीके से राउंड राउंड आपको घुमाना है और अच्छे से आपको ये जो है टाइट कर लेना है, ताकि आपको ये बिल्कुल भी निकले ना दोस्तों। तो ये अभी फाइनली अपना जो है टाइट हो गया। देखिएगा, अब आप इसको ऐसे खड़ा करेंगे तो ईजिली ऐसे ही खड़ी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी है। तब ये खाली रहती है तो तब इतना अच्छा नहीं हो पाती, ठीक है। अपनी इस मशीन की जो लीड है दोस्तों थोड़ा छोटी है, तो इसलिए इसको यूज़ करने के लिए आपको एक अलग से बोर्ड की भी रिक्वायरमेंट रहेगी, या फिर आप इसके लंबा वायर करके भी इसको यूज़ कर सकते हैं। हम एक छोटा सा बोर्ड अलग से ले लिए। तो फाइनली अब इसको यूज़ करके आपको दिखाने वाला है, ठीक है। अपनी ये दीवार होने वाली है दोस्तों, जिस पर हम अपना जो है ये पेंट करने वाले हैं, और आपको दिखाएंगे कि कितनी जल्दी और कितनी अच्छी फिनिशिंग के साथ ये पेंट करती है और कितना समय अपना लगता है। और वेस्टेज तो दोस्तों ये मानिए कि बिल्कुल है ही नहीं, ठीक है। अपनी मशीन जो हो गई है दोस्तों रेडी। तो अभी हम जो है दिखाते हैं। देखिएगा दोस्तों, यदि आप इसको ज़्यादा एक समय एक जगह पर रोक के रखेंगे तो आपका कलर जो है इस तरीके से बहना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको बहुत फास्ट तरीके से करना है, ताकि आपका कलर बिल्कुल भी बहे ना। तो देखिएगा, अभी जो अपनी मशीन की सेटिंग है वो एक छोटी बिंदु पर है। तो आप जो ये गोल गोल इसमें टिगर दिया हुआ है, आप इसको घुमा करके इसको चेंज कर सकते हैं कि आपको किस तरीके का चाहिए। देखिएगा, अभी जो है चेंज हो गया, इस तरीके का ही लंबा देगा, ठीक है दोस्तों। तो इसको आप आगे से, ये जो आगे दिया होता है इसको भी चेंज कर सकते हैं कि आपको ये वर्टिकल में चाहिए या फिर हॉरिजॉन्टल में, ठीक है दोस्तों। तो ये आगे जो है इसको भी घुमा करके चेंज कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं काम स्टार्ट, देखते हैं कि कितनी जल्दी ये करता है, कितनी फिनिशिंग के साथ। तो देखिएगा दोस्तों कितना फास्ट ये मशीन काम करती है, बहुत स्पीड में काम करती है, बहुत समय की आपकी बचत होने वाली है। तो वीडियो दोस्तों आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कोई क्वेश्चन क्वेरी रहता है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। तो वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक बिल्कुल कीजिएगा दोस्तों। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।